आखिर क्यों जीत का दावेदार माने जा रहे हैं इस कंटेस्टेंट को, करना पड़ा दो दो बार अबोर्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो करण पटेल को कहीं ना कहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का दावेदार माना जाता है, जीत का दावेदार। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें लगता है कि करण पटेल ये खतरों के खिलाड़ी का सीजन 10 जीतेंगे, लेकिन कैसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के कल के एपिसोड में दो दो बार करण पटेल ने अबॉर्ट कर दिया। पहला तो खैर टास्क की वो बड़ा अजीब था, तो एक बक्से में आपका सर डाल दिया जाता है, फिर आपको आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं बहुत सारे सांप तरह तरह के और चूहे, और फिर आपको उसको खिसका खिसका के इसको स्क्रू ड्राइवर निकाल के कहीं ना कहीं सारे स्क्रू सारे लॉक्स खोल के फिर उसमें से आपको निकलना है। लेकिन यहाँ पे करण पटेल वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, हालांकि बल्लाज भी बर्दाश्त कर पाते हैं, शिवन भी, सभी वो टास्क को पूरा करते, करण पटेल नहीं कर पाते और करण पटेल उसको अबॉर्ड कर देते हैं। रोहित शेट्टी काफ़ी कहते हैं कि मत कर अबॉर्ड, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हार मान जाते हैं, अबॉर्ड कर देते हैं। लेकिन दूसरा जो टास्क था उसमें तो यही कहेंगे कि वो केज वाले टास्क में जब कहते हैं किस्मत हो आंडू तो क्या करेगा पांडू, तो किस्मत ही ख़राब थी वहाँ पर, या जजमेंट भी ख़राब थी, यूँ नहीं कह सकते कि वो केज में से जब वो स्क्रू खोलने के लिए ऊपर जंप लगाते हैं तो उनके सर ऊपर जा टकराता है और लोहे के उससे, और सर पे लगती है चोट और वहाँ पे वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं और फिर वो अबॉर्ड कर देते हैं। दो दो बार अबॉर्ड करने के बाद फिर उनको मिल जाता है फिर का फंदा। तो क्या इतनी जल्दी हार मानने वाले ये कंटेस्टेंट क्या हैं जीत के दावेदार? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.